नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले ही जाल साजे शुरू, दर्शनों का झांसा देकर बैंक खाते में सेंध मारी। अयोध्या में राम मंदिर का अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ, जालसाजों ने उनके नाम पर जाल साजे शुरू कर दी है। देश में इस तरह के काफी मामले सामने आ चुके हैं। जालसाज भगवान श्री राम के वीवीआईपी दर्शन कराने का झांसा देकर देश भर में राम जन्मभूमि गृह संपर्क अभियान नामक एप्लीकेशन एपीके डाउनलोड कराते हैं और उसके बाद बैंक खातों को खाली कर देते हैं। गृह मंत्रालय ने ठगी की इस वारदात को देखते हुए देश भर में एडवाइजरी जारी की है। लोगों को जागरूक करने के लिए एक वीडियो भी जारी किया है। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का 22 जनवरी को उद्घाटन होना है। जनवरी के शुरुआती सप्ताह से जालसाजों ने राम मंदिर के नाम पर ठगी करना शुरू कर दिया है। जालसाज देश भर में लोगों को, खासकर हिंदुओं को, राम जन्मभूमि अभियान नाम की एंड्रॉयड पैकेज किट एपीके भेज रहे हैं और लोगों से राम मंदिर में वीआईपी एंट्री या फिर वीआईपी दर्शन कराने की बात कह रहे हैं। भगवान श्री राम के भक्त जैसे ही इस एपीके को डाउनलोड करते हैं तो उनके मोबाइल का एक्सेस आरोपियों के पास चला जाता है। इसके बाद कुछ मिनटों में बैंक खाता खाली कर दिया जाता है। वीडियो जारी कर किया जा रहा जागरूक। देश भर में साइबर अपराध को रोकने के लिए गृह मंत्रालय के तहत बनाए गए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C ने इस जालसाजी से लोगों को बचाने व जागरूक करने के लिए एक वीडियो जारी की है। इस वीडियो में एक युवक कहता है कि उसे व्हाट्सएप पर 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के उद्घाटन का वीआईपी एक्सेस मिला है। फिर दूसरा युवक उससे पूछता है कि उसे कैसे मिला। पहला युवक कहता है कि व्हाट्सएप पर मिला है। फिर दूसरा युवक कहता है कि राम मंदिर के उद्घाटन से पहले ही वीआईपी एक्सेस मिल गया। फिर दूसरा युवक बताता है कि श्री राम के नाम पर देश में बड़ा स्कैम हो रहा है। इस एपीके के वजह से उसका मोबाइल व बैंक अकाउंट हैक हो सकता है। श्री राम के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करा रहे हैं। वीडियो में बताया गया कि व्हाट्सएप पर एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है। इस मैसेज में कहा जा रहा है कि राम जन्मभूमि गृह संपर्क अभियान एपीके डाउनलोड करो। इस मैसेज को राम भक्त या हिंदू परिवारों में उनकी ओर से भेजा जा रहा है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में।